हाय फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि इस तरह का डिजाइन हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इधर एक पैटर्न है जो कॉमन है। देखिए इस तरह का पैटर्न है और उसके साथ में इस तरह का पैटर्न कॉमन है। तो हमें किसी एक पैटर्न को बनवाना है, फिर उसको कॉपी पेस्ट करके ये काम कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इमेज है कोलड्रॉ में, इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको लॉक कर देंगे, लॉक ऑब्जेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस तरह का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके किसी भी कलर के ऊपर उसका कलर हम चेंज कर लेंगे। फिर क्या करना है, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, उसका शॉर्टकट भी दिखा देता हूं। इधर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू, देखिए ये राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व शॉर्टकट है, कंट्रोल क्यू ये करेंगे। पूरा मिडिल में, ठीक है। फिर ये जो शेप टूल है इसको लेके ये मिडिल में एक पॉइंट लेना है, इधर भी एक पॉइंट ऐड करना है और ये जगह को ऐसे नीचे की तरफ रखना है और इधर ये पोजीशन को ऊपर की तरफ ऐसे रखना है। फिर ये अंदर की तरफ कितना ये गए हैं वो चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इधर से इतना तक कितना है, 1.42। तो ये जो विड्थ है इसको सिलेक्ट करके देखिए कंट्रोल F9, इसको कॉन्टूर बोलते हैं, ये ऑप्शन इधर से मिल जाएगा, देख रहे हैं कॉन्टूर। तो इधर जाके 1.42 ऐसे लिख देंगे, वन स्टेप होगा, अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये अंदर तक चला आया। अभी इसको हम अरेंज में जाके ब्रेक अपट कर देंगे, शॉर्टकट है कंट्रोल K, और फिर इसके बाद हम इसको कॉम्बाइन कर देंगे, शॉर्टकट है कंट्रोल L। मैं कलर फिल कर रहा हूं, देखिए समझ गए। अभी क्या करना, इसको ये अलग अलग पोजीशन में ऐसे रखना है। तो हम खाली इस तरह का दो चार पैटर्न बना लेंगे तो अपने आप हमारा डिजाइन रेडी हो जाएगा। फिर इसको इक्वलाइज करेंगे, देखिए इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, फिर L प्रेस कर देंगे तो दोनों बराबर सेम जगह पे रहेगा, समझ गए। अभी और कुछ नहीं करना है, इसको मैं पेज से बाहर ले ले रहा हूं, ऐसे राइट क्लिक करके रख रहा हूं, इसको कॉम्बाइन कर दे रहा हूं, ये कॉम्बाइन कर दिया। फिर फिल नान किया, लेफ्ट क्लिक करके फिर इसको फाइल एक्सपोर्ट और डेस्कटॉप में जाके एक नाम दे रहा हूँ, DED नाम के, EPS करके एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ओके, अभी ArtCam खोल के, सपोज इस डिजाइन को हमें बनाना है तो ArtCam खोल के इधर एक पेज लेंगे, इसका साइज कितना हुआ देख लीजिए, हमारा हुआ है 20x41। तो मैं एक बड़ा पेज ले रहा हूँ, इससे थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ, मैं 42x22 ले रहा हूँ। तो विड्थ 22 ले लिया, हाइट 42 ले लिया, फिर मिलीमीटर सिलेक्ट करके रिजोल्यूशन पूरा रख के हम ओके कर देंगे। विंडोज टाइल वर्टिकली दोनों व्यू को अभी देखेंगे। इसके बाद क्या करना है, वेक्टर में जाके इंपोर्ट करके हम उस वेक्टर को इधर इंपोर्ट कर लेंगे, ये सिलेक्शन करके ओपन, तो ये वाला इधर चला आया। ठीक है, पेज का मिडिल में है। अभी इसको पूरा सिलेक्ट करके अनग्रुप ऑल, हम राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑल कर रहे हैं, या तो शॉर्टकट यूज करेंगे तो कंट्रोल यू। अभी एक डिजाइन को बना लेंगे तो बाकी अपने आप बन जाएगा। तो कैसे एक डिजाइन को बनाएंगे, हम किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये सिलेक्ट कर लिया, फिर
ये नोट एडिटर सिलेक्ट करके इधर सी प्रेस कर देंगे। देखिए सी सी सी, एक एक नोट पकड़ के हम काट कर देता हूं। और काट करने के टाइम देखिए दूर क्लिक ना हो, पूरा सेम पॉइंट पे हो, ये ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको काट कर दिया। अभी इस डिजाइन का क्रॉस सिलेक्शन जो है उसको ऐसे बनाएंगे। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, ठीक है। और ये कितना एमएम डेप्थ में हम बनाएंगे उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेबल है। सपोज मैं इसको 17 mm में बनाना चाहता हूँ तो 17 mm ऐसे लिख दिया। फिर इसको इधर रख देंगे और ये वाला सिलेक्ट करके ये जगह पे आर प्रेस कर देंगे। अभी क्या करना है देखिए, सिलेक्ट टूल सिलेक्ट कर लेंगे, पहले इसको सिलेक्ट किया फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको। फिर हम टूल स्वीप में जाएंगे, टूल स्वीप में गया, देखिए दोनों इक्वल नहीं है, मतलब दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। तो इधर क्लिक करके दोनों डायरेक्शन सेम एक्सिस में कर देंगे। फिर इसको सिलेक्ट करके एड क्रॉस सिलेक्शन और ये वाला सिलेक्ट करके इधर ऐसे क्लिक और नीचे हाई सिलेक्ट रख के कैलकुलेट और इधर ऐसे क्लिक कर देंगे तो कितना तक हो रहा है आप देख पाएंगे। फिर इस दोनों को सिलेक्ट करके सिलेक्ट इक्वल है कि नहीं इधर से देख लीजिए, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, देखिए इक्वल नहीं है तो इधर क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे है, कैलकुलेट। और इधर भी आप देखते रहिए। फिर इस तरफ ऐसे सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इधर क्लिक कर देंगे, इधर क्लिक, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, कैलकुलेट। कैलकुलेट और ये मार्ज हाई, ये हाई सिलेक्ट रख के ही करना है। बस ये एक हो गया, मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे कैसे, देखिए इधर रिलीव ऑप्शन में जाएंगे, सेव कंपोजिट, डेस्कटॉप में हम इसको डी डी नाम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है। फिर रिलीव इधर से इंपोर्ट, ये वाला सिलेक्ट करके ये आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके ये वाला क्लिक करेंगे और इसके बाद ये वाला अलाइनमेंट क्लिक कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर मोड मार्ज हाई सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। फिर इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इधर क्लिक कर देंगे ये लाइन पे और फिर इधर ऐसे पेस्ट। अभी आप देख लीजिए, फिर इसको ऐसे पेस्ट, फिर इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इधर इधर क्लिक, और ये पेस्ट। फिर इसको भी आप इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर देंगे तो ये वाला डिजाइन आपका पूरा हो गया। और इस पैटर्न को लेके फिर आगे भी आप इस तरह से कर सकते हैं। सपोज मैं अभी इसको सेव करूंगा, रिलीव सेव कंपोजिट डी डी टू सेव। अभी इसको हम इंपोर्ट करके सपोज काम करना चाहता हूं,
तो देखिए रिलीव में जाके फिर इंपोर्ट करेंगे। इसको अपना हिसाब से मैं रख देता हूं इधर। शिफ्ट प्रेस करके इधर जाके इस पोजीशन में रख के थोड़ा सा इधर चला जाएगा। फिर देखिए मोड वही हाई सिलेक्ट रख के पेस्ट। इस तरफ सपोज मैं ऐसा रख के फिर शिफ्ट प्रेस करके इधर क्लिक, और इस टाइम हम लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे। देखिए ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इधर क्लिक, और इधर से ये लेफ्ट अलाइनमेंट। फिर इसको पेस्ट। ओके, फिर मिडिल के लिए मैं वो पहले वाला उसको इंपोर्ट कर लूंगा एक बार। रिलीफ इंपोर्ट, ये वाला इंपोर्ट कर लूंगा और इसको इस तरफ रख दूंगा। फिर शिफ्ट प्रेस करके इसका अलाइनमेंट भी लेफ्ट की तरफ रख देंगे। और ये इक्वल डिस्टेंस में रहेगा इसका। इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले लूंगा, बस पेस्ट। अभी ये हो गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा आप खाली देख लीजिए। इसको मैं पहले मिरर कर लूंगा राइट ओवर लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद बॉटम ओवर टॉप, तो देखिए इस तरह से ये डिजाइन पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसको कटिंग करने के टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा देख लीजिए। विंडोज में जाके टाइल वर्टिकली ये लाइन वाला लेयर को बंद कर देंगे, नया लेयर लेंगे। उसके बाद एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और राइट क्लिक करके शेप एडिटर इधर 0.1 मार्ज हाई कर देंगे। बस ये हमारा डिजाइन रेडी हो गया। अभी इसको वुड का टूल पाथ बना के हम वुड के लिए कटिंग कर सकते हैं, और स्टोन के लिए स्टोन का टूल पाथ बना के हम इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये है तरीका। और इसको देखिए अगर कटिंग करेंगे वुड वाला टूल पाथ, मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ, ये बेहतर रिजल्ट भी आएगा। देखिए ये 3D वाला टूल पाथ सिलेक्शन किया, कॉम्पोजिट रिलीफ रख के शेप जेड मैं 30 mm रखा हूँ। सपोज मैं इसको 6 mm बॉलनोस से काटना चाहता हूँ, तो 6 mm बॉलनोस सिलेक्ट किया, इधर स्टेप डाउन 0.5 रखेंगे, स्टेप ओवर 10, स्पिंडल स्पीड 18,000, फीड रेट प्लांग रेट इतना मैं रख रहा हूँ। ये कॉमन मशीन के लिए, नॉर्मल जो मशीन है बेसिक मशीन, उसके लिए आप ये वाला यूज कर सकते हैं। फिर सेटअप में जाएंगे, मेटेरियल सपोज हमारा 25 mm का है या 30 mm का है, जो भी हो ओके कर देंगे। फिर नाउ ऑप्शन पे क्लिक। अभी इसका सिमुलेशन देख लीजिए।
बस अभी देखिए इसका रिजल्ट। तो इस तरह से आप ये डिजाइन को बना के कटिंग कर सकते हैं और इसमें बेहतर रिजल्ट भी आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।